अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला बाल विकास विभाग जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान एवं हुनर आर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 20 स्टॉल लगाए गए। इस अवसर पर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले, कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रिजु बाफना, अनिता सक्सेना, नाबार्ड के प्रबंधक अपूर्व गुप्ता, महिला आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाली डॉक्टर मंजू अग्रवाल, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग शशि श्याम उइके ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एक दिवसीय कार्यक्रम में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न उत्पादन गतिविधियों पर केंद्रित विक्रय सह प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर जबलपुर ने कहा कि महिलाओं में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम मध्य प्रदेश की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री शर्मा ने महिला अधिकारी कर्मचारियों की कार्य के प्रति रुचि की सराहना करते हुए महिलाओं की विकास में भागीदारी का उल्लेख किया। इस अवसर पर नाट्य लोक संस्था एवं बाल भवन जबलपुर द्वारा गठित एवं चर्चित संगीत बैंड श्री जानकी बैंड नृत्यांजलि कथक केंद्र को सम्मानित किया गया। संगीत के क्षेत्र में कार्य करने के लिए डॉक्टर सुप्रिया बोस, महिला पत्रकार, समाज सेवी, एंटरप्रेन्योर एवं कोरोना के समय बेहतर कार्य करने, समाज सेवा करने, लोगों को जागरूक करने, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग करके शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिमरन सिंह को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अर्चना ठाकुर, अनुकृति श्रीवास्तव, नेहा सीमा और चित्रकला के क्षेत्र में डॉक्टर रेणु पांडे, शैलजा सुल्लेरे सहित पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। जबलपुर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुलिस कंट्रोल रूम में महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पुलिस महिला अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को सम्मान मिले और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाए। यही कार्यक्रम का उद्देश्य महिला की सुरक्षा और सम्मान के लिए पुलिस विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जबलपुर से चांदा फोर्ट एक्सप्रेस बल्लाशा के बीच चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ हो गया। उद्घाटन समारोह में रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांसद राकेश सिंह ने विजुअल उद्घाटन किया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को ट्रेन चलेगी। चांदा फोर्ट से भी मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को ही ट्रेन वापस लौटेगी। यह ट्रेन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर किया गया है, इसीलिए चांदा फोर्ट एक्सप्रेस को महिला लोको ड्राइवर चलाकर ले गई है। उन्होंने इसे गौरवशाली पल बताया। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों ने ट्रेन के आरंभ होने से खुशी का इजहार किया है। अच्छी साधन बन गया है और इससे विकास भी हुआ, बहुत हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो गया। नैनपुर बालाघाट हम लोग हमेशा जाना रहता है। क्या क्या लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ तक सफर करना है? मैं अभी नैनपुर तक जा रहा हूँ। क्या नाम है? डी के सक्सेना।